गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज़ेनाज़ वर्ल्ड। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ ओपन बॉक्स डिलीवरी कैसे होता है। हम लोग जब भी कोई सामान ऑर्डर करते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया या कुछ भी एक्सपेंसिव सामान ऑर्डर करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं वो सेफ रहेगा कि नहीं, वो कैसा आएगा, क्या होगा। तो इसलिए अभी फ्लिपकार्ट ने उसमें ओपन बॉक्स डिलीवरी का फैसिलिटी दिया है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ओपन बॉक्स डिलीवरी कैसे होता है। तो ई कार्ट का डिलीवरी बॉय ने हम लोगों का जो प्रोडक्ट था, जिन हम लोगों ने ऑर्डर किया था HP का लैपटॉप, तो वो लेके आए थे। सबसे पहले उन्होंने प्रोडक्ट को अनबॉक्स किया। और एक बात है, जो जब तक वो लोग प्रोडक्ट को चेक ना कर ले तब तक हमें लैपटॉप को टच करने नहीं दिया। ये ओपन बॉक्स डिलीवरी का सिस्टम है। अगर उन लोगों से ख़राब होता है वो लोग एक्सचेंज कर लेंगे, लेकिन अगर हम लोगों के हाथ से अगर गिरता भी है तो वो लोग लेके नहीं जाएंगे। इसलिए उन्होंने देखिए अभी मना किया है टच नहीं करने के लिए। सबसे पहले डिलीवरी बॉय चेक कर रहे हैं कि लैपटॉप का जो चार्जर है वो ठीक है कि नहीं। अभी उसका लैपटॉप चेक कर रहे हैं कि उसमें कोई डैमेज है कि नहीं। जैसे कि होता है, इतना दूर से सामान आ रहा है तो कोई भी खराबी रह सकता है। तो चेक कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी कॉर्नर में कोई कुछ भी डैमेज है कि नहीं। अभी चेक करने के बाद वो अपने सेफ्टी के लिए एक फ़ोटो खींचेंगे लैपटॉप का। तो लैपटॉप का फ़ोटो खींच के वो अपने ऐप में वो अपलोड कर देंगे। उसके बाद हम लोगों को लैपटॉप हैंडओवर किया फ़ोटो खींचने के बाद। और आप लोग भी चाहे तो आप लोग ओपन बॉक्स डिलीवरी ले सकते हो। जितने भी अभी एक्सपेंसिव सामान है सब में ओपन बॉक्स डिलीवरी का फैसिलिटी दिया हुआ है। तो आप निश्चित होकर ओपन बॉक्स डिलीवरी सिस्टम का अप्लाई कर सकते हो और कोई भी सामान ले सकते हो।